नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग विथ दुर्गेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं प्रदीप पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हम पिछली कक्षा में कहाँ पे बात कर रहे थे? आज हम पिछली क्लास से पहले हम कनेक्ट करें कि कहाँ पे बात हो रही थी। तो बात हो रही थी डेसिमल एंड फ्रैक्शन, की बात हो रही थी, जिसमें फ्रैक्शन जैसे 15/4, 3/4, 15/3, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो जब जो दशमलव कुछ आएगा, जो दशमलव में आएगा वही इसका दशमलव रूप हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा तीन टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है प्रॉपर, पिछली कक्षा में यही सब बात हुई थी, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं पिछली क्लास से आज की क्लास को, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम फ्रैक्शन पढ़े थे। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर को सम भिन्न बोलते हैं, और विषम भिन्न और मिश्रित। सम भिन्न में क्या बात हो रही थी? सम भिन्न में जो जिसका ये कोई भिन्न हुआ, इसका जो अंश है वो छोटा होगा, हर से। और इम्प्रॉपर भिन्न में कोई भिन्न a/b है अगर, तो इसका जो अंश होगा वो बड़ा होगा उसके हर से। और मिक्स्ड में क्या होगा? जैसे एक प्रकार का फ्रैक्शन ऐसे पढ़ते हैं, a सही b/c, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। लेकिन इसको हम कैसे तोड़ते हैं? a प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये प्लस के रूप में ऐड किया जाता है, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे LCM लेके, c1 जाओ c, ac प्लस b, ये इसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुई फ्रैक्शन की बातें। हम डेसिमल में एक बार कनेक्ट करते हैं पिछली कक्षा में क्या बात हुई थी। ठीक है, चलिए। इसके बाद डेसिमल। दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने बताया डेसिमल दो तरह के होते हैं। एक तो जो कट जाए, जिसको हम शांत बोलते हैं, जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए, शांत बोलते हैं, या भाज्य इसी को हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको हम टर्मिनेटिंग, मतलब जो भाज्य हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए। दूसरा अशांत, जो कभी ख़त्म ना हो, अशांत दशमलव, अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग। यही बात हो रही थी दोस्तों। चलिए, शांत दशमलव में जैसे 10/4 अगर हम 4 करेंगे तो 2.5 आएगा। दशमलव के एक अंक के बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी शांत हो जा रहा है, यानी रुक जा रहा है। इसी को हम शांत दशमलव बोलते हैं, इसी को हम शांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन जो अशांत दशमलव होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब आवर्ती होता है। इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, और इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, हिंदी में बात करें, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था और लिखवाया भी था, और उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का को हिंदी में हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, जैसे कोई दशमलव इस प्रकार से हो, 3.3, 4, 5, 2, कोई पैटर्न ना हो, कोई अंक जो है रिपीट ना हो, कोई पैटर्न ना बने, यानी कोई अंक रिपीट ना हो और ये अनंत तक जाए, कटे भी ना, अशांत भी हो मतलब टर्मिनेट ना हो। और उसके अपोजिट ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, जैसे 3.3, 3, 3, कोई एक अंक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी यही हुआ आवर्ती। इसको हम बोलते हैं आवर्ती मीन्स जो रिपीट हो। यहाँ तक बात हुई थी। और हम इसका भी दो पार्ट कर सकते हैं, इसको भी हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं, आवर्ती को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है, इसको हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, इसको भी हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं। देखिए, एक होता है 0.3333333, ठीक, और एक हो सकता है 0.457457457 छोटा, एक हो सकता है 2.3232323। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है वो एक ही अंक रिपीट हो रहा है, और दशमलव के बाद यहाँ पे 4, 5, 7, 4, 5, 7 तीन अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तीन अंक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 रिपीट हो रहे हैं और ये अनंत तक जा रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो इसी को हम ये वाली जो कैटेगरी है इस वाली कैटेगरी को हम इसमें लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे प्योर, इसको हम बोल सकते हैं प्योर। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं प्योर, प्योर इस नाते क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम बोलेंगे प्योर। प्योर को हिंदी में शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध बोलेंगे। और एक दूसरा जो होगा मिक्स्ड मिश्रित, यानी 0.375375 और 0.232323 ये रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का जो पार्ट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कन्वर्जन की, कि रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। एक रिकरिंग फ्रैक्शन को इसका एडिशन कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यानी गुणा और जोड़ हम जानेंगे। रिकरिंग डेसिमल का हम जोड़ और घटाना, गुणा भाग सब जानेंगे। इसके पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन कि हम रिकरिंग को PYQ के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। जैसे कोई हमारे पास रिकरिंग दशमलव है और ये क्या है, प्योर है। ये क्या है, प्योर है। ये दिया गया है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में करना है। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर, हम इसको x के इक्वल कर ले रहे हैं। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। 10 का हम गुणा करेंगे। कोई भी चीज़ जब दोनों पक्षों में की जाती है तो कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा। तो 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक दाहिने साइड घिसक जाएगा। और 100 से करते तो 2 अंक घिसक जाता, 1000 से करते तो 3 अंक दाहिने साइड दशमलव चला जाता। यहाँ पे हम 10 से करेंगे तो 3.3 अनंत तक जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा लें। दाहिने साइड का बाएं साइड का घटाएंगे तो 10x में से जब 1x घटेगा तो 9x आएगा, तो 9x आएगा। और ये 3.3333 अनंत तक है और ये 3.33 अनंत तक है। तो ये जो मैटर है, ये जो पोर्शन है, इसका घट के 0 हो जाएगा। तो बचेगा केवल 3। देखिए 0.33333 अनंत तक है और यहाँ पे 0.33333 अनंत तक है। जब इसको हम घटाएंगे तो 0.00000 और यहाँ पे 3। ये पोर्शन का कोई मतलब है, इस चीज़ का कोई मतलब है? दशमलव के बाद अगर 0 है तो कोई मतलब है नहीं है। तो हम वहाँ से केवल इंटीजर्स, पूर्णांक जो है 3 उठा लेंगे। तो 3 यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा, 3 लिखा। इसके बाद x 3 9 क्या है, 9 आ जाएगा नीचे, 9 आ जाएगा नीचे। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3/9। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3/9 और इसी को हम अभी शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। कन्वर्जन आप नोट कर सकते हैं, चलिए आगे देखिए। यदि पॉइंट P के ऊपर बार है तो इसका अर्थ ये होता है पॉइंट P जो है वो अनंत तक रिपीट हो रहा है। और इसको हमने जो अभी कन्वर्जन में पढ़ा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P/9। यानी जिस अंक के ऊपर 12 रहता है वो संख्या रिपीट होती है अनंत तक और उसके बदले हम उसके हर में, उसके बदले उसके हम हर में 9 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसके पहले आप कन्वर्ट करके चेक किए। कन्वर्ट करके हमने ये देखा कि 10 में 9 जो है हर में इसके क्यों आता है। तो 9 जो है कन्वर्ट करने के बाद 9 आया तो हम डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं p/9, इसको हम p/9 लिख सकते हैं। यदि कोई दशमलव हमारा इस प्रकार से है pq और दोनों के ऊपर बार है, यदि दोनों के ऊपर बार है तो हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ दशमलव का रोल ख़त्म होगा, फिर यहाँ pq लिखेंगे और दोनों के ऊपर बार है तो हर में 2 9 आएगा, हर में 2 9 आएगा। जैसे यदि p और q यहाँ पे केवल q के ऊपर बार है, यानी इसको जब हम विस्तार रूप में करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं p q q q। यहाँ पे केवल q की पुनरावृत्ति हो रही है, q की पुनरावृत्ति हो रही है, q ही रिपीट हो रहा है, p नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस अंक के ऊपर बार होगा वही अंक रिपीट होगा। यहाँ पे pq था, यहाँ पे pq के ऊपर दोनों के ऊपर बार था, तो यहाँ जो संख्या होगी, जो अंक होंगे p और q दोनों रिपीट होंगे, p और q दोनों रिपीट होंगे। यही होता है। और जिस अंक के ऊपर बार रहता है उसके हम हर में 9 लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन देखिए, pq हम लेंगे, pq लेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम इसमें से घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम यहाँ पे घटा देंगे। pq लिए, p के ऊपर बार नहीं था, यानी p के ऊपर बार नहीं था तो p को हम इसमें से हम घटा दिए। और हम हर में अब क्या लिख सकते हैं, हर में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे जिसके ऊपर बार है वो उसके जगह पे 9 आएगा और जिसके जगह पे बार नहीं है उसके स्थान पे 0 आएगा, यही होता है कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीज़ें और जानने लायक हैं, जाननी ज़रूरी हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 अंकों का दे दिया जाए p q और r दे दिया है और यदि तीनों के ऊपर बार है, तो p q r तीनों के ऊपर बार है तो हर में 3 9 आएंगे, और यदि p q r है, इसमें यदि 2 अंकों के ऊपर बार है, q और r के ऊपर बार है, तो क्या होगा p q r। अब ये देखना है कि किसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ p के ऊपर बार नहीं है तो p इसमें से हम माइनस करेंगे, p को हम इसमें से माइनस करेंगे, हर में जाएंगे। हर में जाने के बाद हम ये देखेंगे किसके ऊपर बार है, तो q और r के ऊपर बार है तो इस q और r जो है 9 देंगे और p जो है 0 देगा। इस प्रकार से होगा। यदि पॉइंट p q r केवल r के ऊपर बार होगा तब हम इसको ऐसे लिखेंगे p q r। संख्या पूरी लिखनी है, इसके बाद हमें क्या करना है वो यहाँ से पता करना है। संख्या पूरी लिखनी है, p q r को हमने पूरा लिखा। यहाँ पे अब ये देखना है किन के ऊपर बार नहीं है, तो p और q के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे होगा माइनस में p और q। अब हर में जाएंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे किसके ऊपर बार है और किसके ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार होगा वो 9 देगा, ओनली r के ऊपर बार है तो 9 दिया, p और q के ऊपर कोई बार नहीं है तो डबल 0 होगा, तो p के लिए 0 और q के लिए 0। इस प्रकार से कन्वर्जन होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि पॉइंट पी क्यू आर कभी भी जो बार होगा वो बीच में नहीं होगा, कभी भी बार जो होगा बीच में नहीं होगा। यदि होगा तो पीछे होगा और पीछे को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। ये इधर से नहीं हो सकता है, इधर से नहीं हो सकता, ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। पी क्यू आर में कभी पी के ऊपर नहीं हो सकता है, कभी क्यू के ऊपर नहीं हो सकता है और कभी केवल क्यू के ऊपर नहीं हो सकता है। होगा कहाँ? होगा यदि आर पे होगा तो सही है, होगा यदि पी क्यू क्यू और आर के ऊपर होगा तो भी सही है, और पी क्यू आर तीनों के ऊपर होगा तब पर भी सही है, तब पर भी सही है। तो ये नोट करने वाली बात है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। एक होता है मंटीसा, मंटीसा को चलिए यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 3.45 देखिए, यदि इस प्रकार से हो जाए, दशमलव के बाएं की तरफ जो पूर्णांक हमारा है, जो पूर्ण अंक है, जो ये नंबर है, इनके ऊपर अगर ये बार टाइप का आता है तो इसको हम बार नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मंटीसा, इसको हम पढ़ेंगे मंटीसा। जब इधर आता था इसको हम बार पढ़ते थे। इसका हल करने का नियम अलग है, इसका हल करने का नियम अलग है, इसका कोई दूसरा अर्थ है, इसका कोई दूसरा अर्थ है। तो जब पूर्णांक के ऊपर जब ऊपर इस टाइप का बार आए, इसको हम बार न पढ़ करके इसको हम मंटीसा पढ़ते हैं, और इसको हम बार पढ़ते हैं। चलिए इसको आगे देखेंगे, आगे हम डिटेल में देखेंगे, बाई क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। ये आगे हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बार के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, संख्या 0.393939 को पी बाई क्यू के फॉर्म में ज्ञात कीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में ज्ञात करना है। देखते हैं, इजी है, आप सभी कर भी सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। दिया गया है 0.393939 अनंत तक, यानी यहाँ पे जो संख्या है, जो अंक हैं, यहाँ पे जो अंक हैं 3 और 9 यही रिपीट हो रहे हैं। इनके ऊपर हम बार लिख सकते हैं, इस नाते लिख सकते हैं, क्योंकि 393939 अनंत तक रिपीट हो रहा है। इनके आधार पर हम 39 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। अब जब हम 39 के ऊपर हमने जब बार लिखा, हम इसका कन्वर्जन जानते हैं, इसका कन्वर्जन क्या होगा? 39 है, 39 है, ऐसी कोई अंक नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है, तो घटाने वाली यहाँ पे बात नहीं होगी, हम 39 लेंगे, 39 के बाद हम हर में जाएंगे। अब ये देखेंगे किन के स्थान पर बार है, किन अंकों के ऊपर बार है। तो यहाँ 3 और 9 दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हम दोनों के लिए 9 और 9 लिखेंगे, इसको हम और सरल कर सकते हैं, सरल करने के लिए हम 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 3, 3 × 3 = 9, 13 × 3 = 39 और 3 × 3 = 9, 33 × 3 = 99। ठीक, इसको हम और लिख सकते हैं, नहीं और नहीं होगा, 13/33, 13/33, 13/33 यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन में होना चाहिए ये। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन के रूप में आता होगा, ये सरल क्वेश्चन माना जाएगा। अभी इसके आगे हम देखेंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर होगा 13/33। 13/33 PYQ के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। हम एक रिकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये पहले चेक करेंगे, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, क्या एक अंक ही रिपीट हो रहा है, क्या दो अंक रिपीट हो रहे हैं, क्या तीन अंक रिपीट हो रहा है। जितने अंक बार बार रिपीट होंगे उनके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। बार का मतलब ही होता है बारंबार, रिकरिंग, आवर्ती, यानी वो अंक आते ही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सुधार करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक कुछ नहीं है, ये जो बार है ये 4 और 7 दोनों के ऊपर है। बार जो 4 और 7 दोनों के ऊपर है, ठीक। अब इसको बदलना बिल्कुल ईजी है, .4 और 7 के ऊपर बार है, 4, 7 के ऊपर बार है। 4, 7 लिखें, 4, 7, 9 देगा, 9 इस नाते देगा, दोनों के ऊपर बार है। तो 47/99, ये और सरल नहीं हो सकता है, सरलतम रूप में है। ये इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। इससे टफ भी बन सकता है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ओनली 5 के ऊपर बार दिया है। यहाँ 5 के ऊपर बार है, यहाँ 5 के ऊपर बार है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है 0.2345, 5 के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, बराबर 2, 3, 4, 5 और 2, 3, 4, 5, ये देखना है किनके ऊपर बार नहीं है। तो 2, 3, 4 के ऊपर बार नहीं है तो इसमें से घट जाएगा 2, 3, 4 घट जाएगा। और हर में क्या होगा, जिनके ऊपर बार है, यानी 5 के ऊपर बार है तो वो 9 देगा। बाकी 3 अंक जो 2, 3, 4 हैं, इनके ऊपर बार नहीं है, ये तीनों जो है अपने लिए 0 देंगे। यहाँ पे 3 0 होगा। अब हम घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1, 2, 9, 0, 0, 0। ये आपका राइट आंसर होगा। 9 से क्या ये कट पाएगा, नहीं कटेगा। 2, 1, 3, 4, 5 नहीं कटेगा। देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो एक ऑप्शन ना नाप दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो सकता है, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। 2, 1, 1 अंश जो है आपका मिल रहा है लेकिन हर जो है नहीं मिल रहा है। हर नहीं मिलने के कारण ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर नानाबदीज हुआ है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जल्दीबाजी में कन्फ्यूज होकर के गलत भी कर देते हैं। गलत वहीं पर करेंगे, हर को आप नहीं चेक किए, जो कि 9, 9, 9, 0 है। यहाँ पर 9 3 बार 0 है और हर जो है इसका मिल रहा था तो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए, नानाबदीज होगा। चलिए आगे देखें। चलिए अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ये जो है ये 6102 ये ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे टू जो है छूट गया है, टू जो है छूट गया है, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे। 2.46102 ये सबके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार दिया गया है। चलिए इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। इसको हम करेंगे 2.46102। इसको हम और तोड़ के लिख सकते हैं, ये जो दशमलव है इसको हम 2 + 4 6 2 + कोई दिक्कत है? इसको जब जोड़ेंगे तो यही आने वाला है, जोड़ेंगे तो यही आने वाला है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इतने सारे के ऊपर बार है, इतने सारे के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 46102 और सबके ऊपर बार है 1 2 3 4 5, यानी 5 9 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको जो हम सॉल्व करेंगे 9 9 9 9 9। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो 2 9 18 की 8, 2 9 18 की 8, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, 2 9 18 19, ये होगा। प्लस होगा 46102, 46102 ये होगा। अब हम जोड़ देंगे 8 2 10 की 0 8 2 10 की 0, 9 0 0 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10 1 11 की 1, 9 1 10 1 11 की 1, 9 6 15 15 1 16 की 6, 9 6 15 1 16 की 6, 9 4 13 1 14 की 4, 14 की 4, 1 1 2। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है 2 4 6 2 4 6 2 4 6 1 0 0 9, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 2 4 6 1 ये भी नहीं होगा। लास्ट में पहले ये देखना है, हर में जो है सभी 9 है, हर में सभी 9 है। 2 4 6 2 4 6 ये होगा आपका राइट आंसर, ये होगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, ये क्या है? देखिए एक्चुअली में ये है 0.37 के ऊपर बार प्लस 8.56 के ऊपर बार प्लस 1.23 के ऊपर बार। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम जो पूर्ण अंक वाले हैं, जो हम दशमलव के बाएं की तरफ वाले हैं, जो पूर्ण अंक वाले हैं, उनको हम साइड कर लेंगे। इनको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 0.37 के ऊपर बार प्लस 8 जो है 8 प्लस 0.57 प्लस 1 प्लस 0.23। इस प्रकार से इसको हम तोड़ लेंगे। ये 8 है, ये 1 है, मिलके 9 हो जाएगा, मिलके 9 हो जाएगा। इसको हम अलग कर लेंगे, इसको अब अलग कर लेंगे। बचेगा क्या हमारे पास, 37 प्लस 0.57 प्लस 0.23। अब ये हमारे पास बच गया, ये तो अब हमारे समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं 9 प्लस 37 है, 37 बटे 99 प्लस 57 57 बटे 99 प्लस 23 बटे 99, ये हो गया, ये हो गया। अब तीनों का बेस जो हर है वो समान है, इसको हम ऊपर वाला जोड़ लेंगे, इसको हम ऊपर वाला जोड़ लेंगे 9 प्लस 9 प्लस, अरे भाई ऐसे होगा ना, ऐसे होगा 3 7 3 7 प्लस 5 7 प्लस 2 3, यही तो होगा। ये समझ में आया? इसको हम ले करके इसको हम इसका एलसीएम नहीं ले लेंगे, एलसीएम 99 आएगा, 37 यही यहाँ लिखा हुआ है, यही यहाँ लिखा हुआ है 9 प्लस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 3 10 10 7 17 की 7 10 7 17 की 7, 5 2 7 7 3 10 10 1 11 10 1 11, 117/99 117/99। इसको हम जब सरल करेंगे कितना होगा, इसको जब हम सरल करेंगे तो हम इसको हम 117 में 99 का हम भाग करेंगे, 99 का हम भाग करेंगे एक बार जाएगा, 99 बार 18 आ जाएगा, 0.99 इक्का 99 99, 10 1 17 में 9 8, 81 81, फिर 0, फिर 7 बार जाएगा, 9 7 63 की 3, 9 7 63 की 3, 9 7 63 63 6, इतना आएगा, इतना आएगा। तो ये जब हम करेंगे तो 1 7 1 7 1 7 ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 9 प्लस 1.17 1 7 1 7। ये 9 1 10 हो जाएगा, 10 10.17 17 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.17 जो है रिपीट हो रहा है, 1 7 के ऊपर बार, 1 7 के ऊपर बार, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ये केवल इसके ऊपर है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन सही सही क्या है। अंडरवुड में, अंडरवुड 0.037 के ऊपर बार है और यहाँ पे क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 0.37/999। देखिए ये तीनों के ऊपर दशमलव है तो ये हम यहाँ पे पूरी संख्या लिख दिए 037, और तीनों के ऊपर अगर बार है तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो 0 है इसका कोई यहाँ पे अर्थ भी नहीं, अर्थ तो नहीं है, इसको हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं, यहाँ पे हम 0 को हटा भी सकते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, काट दीजिए। किससे कटेगा ये? किससे कटेगा, किससे कटेगा? काटेंगे 1/27, 1/27 आएगा। कितनी बार आया 27 बार, 1/27 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 1/27 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/27। 1/27, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, यहाँ हम लिख लेंगे 1/3, 1/3। अभी भी इसका आंसर नहीं आया, इसका आंसर नहीं आया, और सरलतम रूप में है, और सरलतम रूप में है, और सरलतम रूप में है। कैसे हमारे पास आंसर जो निकल के आया 1/3, ये भी सही है, लेकिन इसको और सरल किया है। इसको जब हम और सरल करेंगे तो इसको हम जब भाग करेंगे तो 3 3 3 3 3 3 ये यहाँ पे रिपीट होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 बार आ रहा है, 3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ये रहा, ये इसका आंसर है। समझ में आया? क्यूब रूट निकालना था, ये हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पे 0 3 7 यहाँ पे हम 0 लिख सकते थे, 0 का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता, 0 का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे 0 और लिखने का और न लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 37/3 अंकों के ऊपर बार था, हमने हर में 3 अंकों के लिए 3 बार 9 लिया, 3 बार 9 लिया, 37/999, और 999 कट रहा था 37 से 1/27 बार, तो 1/27 जो है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3 हमारे पास आ गया बाहर। अरे 1/27 को हम लिख सकते थे, लिख सकते थे 3 × 3 × 3, तो 3 बार से 1 बार 3 निकल के बाहर आता, 1 बार 3 बाहर आ जाता, यही लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। खत्म क्वेश्चन, खत्म, और हम क्वेश्चन लेते हैं, और हम क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये कट रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, अट्ठारह दशमलव 48 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18.484848। इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 48 के ऊपर 48 के ऊपर जो है 48 रिपीट हो रहा है, तो 48 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं, हम 48 के ऊपर बार लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा 18.48/99, 48/99। अब इसका हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करके LCM 99 ले करके, LCM 99 ले करके तिर्यक गुणा करेंगे। 18 9 कितना होता है, 18 9 162, 162, 162 का 2, 162 का 2, 162 का 2, यही होगा ना, 18 9 162, फिर 18 9 162, 162 और 16, 6 2 8 7, 178, 178 प्लस 48, प्लस 48, 8 2 10 की 0, 8 4 12 12 1 13, 8 4 12 12 1 13, 7 1 8 1, 1830/99, 1830/99। 3 से ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है, देखने में लग रहा है ये कट रहा है। और ऊपर का कैसे हम चेक करेंगे, ऊपर हम डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 8 1 9 यानी कट गया 3 से, 3 कट गया। यहाँ 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 1 का 3 0, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 610 बटे 33। आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ से 610 बटा 33, 610 बटा 33 यहाँ आपका आंसर आ दिखाई दे रहा है। हमने पीडीएफ के ऊपर भी ही इसको सॉल्व किया। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो 610 बटा 33 ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आया 610 बटा 33, ऑप्शन नंबर बी, जीवन बीमा निगम 2006। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरे पीडीएफ पे करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2.136, जिसमें से बार केवल 36 के ऊपर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। इसको हम लिख सकते हैं 0.136 दो के ऊपर बार, 2.136 जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, घट जाएगा 1 यहाँ से, और 2 के ऊपर बार है 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं है 0, तो हो जाएगा 2.135, 135 बटा 990, 135 बटा 990। काट देंगे हम इसको, अगर हम काट देंगे 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 यानी ये 9 से कट जाएगा, 9 1 का 9 4, 9 5 45, 9 1 का 9, 9 5 45, 9 1 का 9, 9 5 45, 9 1 का 9 कितना आया 15 बटे 110। फिर हम काट देंगे इसको, ये 5 से फिर कट जाएगा, यहाँ से छूट रहा है, यहाँ हो रहा है 2.15 बटे 110, 15 बटे 110। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 सही 3 बटा 22, 2 सही 3 बटा 22, 22 दूना 44, 44 से 45। या इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 सही 3 बटा 22, वही चीज़ 22 दूना 44, 3 45 बटा 22। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस चीज़ को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखें आंसर आया नहीं आया, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आंसर आना चाहिए था ये 22 सही 22 में 44, 3 45 बटा 22। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 1.27 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार। इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। वन पॉइंट टू सेवन के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 27 बटा 99, 27 बटा 99। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको हम 3 से काट सकते हैं, 9 3 27, 9 से हम काट देंगे, 9 3 27, 9 11, 1 + 3 बटे 11। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3 बटे 11, 1 सही 3 बटे 11, या 11 का 11, 11 3 24, 24 बटे 11, सॉरी 11 का 11, 11 3 14 होगा, 14 सही 14 बटे 11। या ये जो आपका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा, 14 बटे 11। क्या दिया हुआ है, दिया क्या है ऑप्शन में, दिया है 14 बटा 11, 14 बटा 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 0.57 को क्या होगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला चलिए अब रहा ये 63 प्लस क्वेश्चन हम नए पेज पे लेते हैं 6337 0.63 प्लस 3 ये है। इनको जोड़ना कैसे है, चलिए इनको जोड़ने के लिए दो विधियों का हम प्रयोग करेंगे, एक सामान्य, एक जनरल, एक डायरेक्ट। एक डायरेक्ट विधि क्या है, यहाँ 63 है ना, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, जो कि अनंत बार जाएगा, रुकने वाला नहीं। फिर हम लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, 0.37 अनंत बार। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे 0.63 जोड़ लेते हैं प्लस 0.37 जोड़िए 7×3=10 का 0, 6×3=9=10 का 0, 7×3=10 का 0, 6×3=9=10 का 0, 7×3=10=11 की 1, 6×3=9=10 की 0, 6×3=9=10 का 0। फिर 7×3=10=11 की 1, 7×3=10=11 की 1, 6×3=9=10 की 0, 7×3=10=11 की 1, 6×3=9=10 की 0, 7×3=10=11 की 1, 6×3=9=10 ये आया। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 1.0101010101। ये देखिए पैटर्न यहाँ पे, और हम आगे लेते हैं तो फिर 0.1 आता, फिर जितनी बार लेंगे तो ये पैटर्न बनता जाएगा, तो 0.1 क्या हो रहा है, 0.1 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.01 के ऊपर बार, 0.1 के ऊपर बार, ये इसका राइट आंसर होगा। ये भी एक तरीका है, ये एक सिंपल तरीका है। ये तरीका तब अच्छा होता है, जब जो हमें जोड़ने के लिए दशमलव दिया गया हो, दोनों के ऊपर समान रूप से बार हो। जैसे 2 अंकों के ऊपर बार था, इसमें भी क्या था, 2 अंकों के ऊपर बार था। अगर इस प्रकार से होता है तब इसको हम विस्तार रूप में लिखते हैं, तब हम इनको विस्तारित रूप में लिख करके इसको हम सामान्य रूप से जोड़ या घटा देते हैं, इसका आंसर निकल आता है। और यहाँ पे जरूर से, आपको एक पैटर्न फॉलो होता दिखेगा, एक आपका पैटर्न यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 63 या 37 आपने यहाँ तक ही क्यों लिया, आप आगे तक क्यों नहीं लिए या इससे कम क्यों नहीं लिए। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, आप बहुत आगे तक लिख सकते हैं, बस आपको इतना कम से कम इतना लिखना है कि हमारा जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिक निकल के कम से कम आ जाए। कम से कम हमें हमारा पैटर्न क्या बन रहा है वो हमको कम से कम दिखाई दे दे। इस नाते हम, इसलिए हम एक एवरेज रूप में 5, 7, 10 अंकों तक हम जो है उसका विस्तार जो है करके लिख लेते हैं। इसका लिखने का यही रीज़न हुआ, हमारा एक पैटर्न फॉलो हुआ। अब देखिए 63 और हम एक अगर आगे लेते हैं और 37 हम एक और आगे लिखते हैं, तो 7×3=10 की 0 यहाँ आता, 7×3=10 की 0 यहाँ आता, और 6×3=9=10 की 0 यहाँ आता, 7×3=10=11। देखिए यहाँ से पैटर्न फिर बनना स्टार्ट हो जाता, 0.1 फिर 0.1 फिर, और जब हम आगे लेंगे तो 0.1 पैटर्न बनता चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.01 होगा, दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा 1.01, ये इसका राइट आंसर। अभी एक हम और मेथड बताएंगे कि यदि दोनों दी गई संख्या के ऊपर दोनों दिए गए दशमलव या दो या तीनों जो भी हमको दिया जाए और उनके ऊपर समान रूप से बार ना हो, तो ये वाला मेथड भी लगा करके आप हल कर सकते हैं। लेकिन हम एक और मेथड बताएंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट वो निकाल के आपको आंसर दे देगा तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3.872559 क्या है? 3.87259 नोट कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। ये क्वेश्चन है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। 3 + 0.87 के ऊपर बार प्लस 2.59 के ऊपर बार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। तो 3 और 2 ये दोनों पूर्णांक हैं, इनको हम जोड़ के अलग कर लेंगे, 0.87 प्लस 0.59। अब इनको हम हल करेंगे। 87 है बटे 99 बटे 99 प्लस 59 बटे 99 बटे 99, इनका एलसीएम लिया जाएगा 99। 87 प्लस 59 प्लस ये होगा 9×7=16, 9×7=16 की 6, 8×5=13=14, 8×5=13=14, 146 बटे 99। ठीक, 3 से कटेगा, 4×1=5=6=11 नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो 5×9=45 की 5, 5×9=45 की 5, 5×9=45 की 5, 5×9=45, 5×9=45 की 5, 5×9=45 4×49 प्लस 146, 5×6=11 की 1, 9×4=13=14 की 4, 5×6=11 की 1, 9×4=13=14 की 4, 4×1=5=1 641 बटे 99, 641 बटे 99। सॉरी, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे क्या था माइनस, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस था तो केवल ये 2 माइनस होता, 2 ये माइनस होता, ये प्लस में ही रहेगा। इसको जब हम तोड़ेंगे, अगर इस प्रकार से दिया है 0.259 दिया है और 59 के ऊपर बार है, तो इसको हम तोड़ेंगे जब, तो इसको हम लिखेंगे -2 लेकिन प्लस का -2 लेकिन प्लस का 59 इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। तो वही किया, यहाँ पे जब होगा 3 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 5 ना होने की बजाय 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा? 1। अब यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा। 99 का 99 प्लस 146 बटे 99। 9 6 15 की 5 9 6 15 की 5, 9 4 13 1 14 की 4, 1 1 2 245 बटा 99। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा 245 99 करेंगे। दो बार ही जाएगा, दोनों 18 किया, दोनों 98 19 198, 15 में 60 के 7, 13 में 90 4 47, फिर 9 चार बार जाएगा। देखिए क्वेश्चन शुरू से प्लस और माइनस की वजह से मिस्टेक हो गया है। ये ऐसे ही होगा, ऐसे कैसे 3 प्लस 0.87 अगर माइनस दिया है तो माइनस, पहले इसको हम अंदर तोड़ लेते हैं। 2 प्लस 0.59 तो 3 प्लस 0.87 था, 87 था, माइनस का 2, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 0.59। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, प्लस 87 था और 59 माइनस करना था, तो 16 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 5 7 7 2 7 17, 2 मतलब यहाँ पे जो होगा 1 प्लस 0.28 यहाँ रिपीट होगा, तो 1 प्लस 0.28 के ऊपर बार होगा, तो 1.28 के ऊपर बार, 1.28 के ऊपर बार। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, प्लस माइनस की वजह से गलत हो रहा था, ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए इसको अगर आप तोड़ लिए बाकी क्वेश्चन आसान होगा, इसको तोड़ने का हम बता दिए। 3 प्लस 0.87 के ऊपर बार है, प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस अंदर का हम जब तोड़ेंगे तो 2.59 होगा, 0.59 होगा, तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है अंदर जाएगा, तो माइनस का 2 करेगा और माइनस का 0.59 के ऊपर बार भी कर देगा, तो जिसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.477777 .8। देखिए यहाँ पे केवल 4 नहीं, केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 7 के ऊपर बार हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया 47 में से जिसमें बार नहीं है, यानी 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे। 7 के लिए 9 आएगा, 4 के लिए 0 आएगा, 47 में जब 4 जाएगा तो 43 होगा, तो 43 होगा, 43 बटे 99। ये आपका आंसर होना चाहिए 43 सॉरी 90 4343, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, इसको गुणा अगर दे दिया आपको, मल्टीप्लाई दे दिया, तब आप कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे। एक हम ये देखते हैं, ये समझ में आया। 4747 था, 4 के बाद जो 7 आ रहा था वो बार बार रिपीट हो रहा था, 7 के ऊपर हमने बार लगा दिया। जब हम ये बार लगा दिया हमारा क्वेश्चन बन गया 47 में से 4 को माइनस किए बटे 90। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.2 के ऊपर बार गुणे 0.03 के ऊपर बार, 303 दोनों के ऊपर बार है। अब इसको करना कुछ नहीं है, बस तरीका वही होगा जो जैसे दिया है, आप वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। +1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, ये वाला मैटर ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे लिखा है ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो होगा 1 + 2/9 होगा, 2/9 होगा ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो 2 के लिए बटे में 9 आएगा, 2 के लिए बटे में 9 आएगा। गुड़े यहाँ 0.3 है तो 0.3 लिखें या 3 लिखें मतलब एक होगा, लेकिन नीचे का जो मतलब होगा दोनों के ऊपर बार है यानी 9 9, 3 के ऊपर बार है 9 आया, 0 के ऊपर भी बार है तो वो भी 9 दिया, वो भी 9 दिया। अब चाहेंगे अगर हम तो ये 0 यहाँ से हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो 3/99, 9 × 9 = 2, 11/9, 9 × 9 = 11/9, 9 × 9 = 9, 11/9 गुड़े 3/99, 3/99, 11 × 11, 11×9 = 99, 3 × 3, 3×3 = 9 बराबर 1/27, 1/27। लेकिन आंसर में नहीं है, लेकिन आंसर में नहीं है यानी इसको हमें भाग देना पड़ेगा। 1/27 को 1 में जब हम भाग देंगे 27 का, 1 में जब हम भाग करेंगे 27 का, 0.0 आएगा, 10 आएगा, काम नहीं हुआ, फिर 0 करेंगे, फिर 0 आया, 27 3 कितना होगा, 3 × 7 = 21 की 1, 27 3 81 होगा, 19 आएगा, 19 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 × 7 = 49 की 9, 7×2 = 14, 4 × 18, 189, 1 आएगा, 0 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एक हम 0 लेंगे, फिर 0 में से काम नहीं हुआ, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर वही 81 आएगा, फिर आएगा हमारे पास 190 होगा, 190 होगा, फिर 7 बार जाएगा, 189 हो जाएगा, 189, यही प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ हमारा जो एक पैटर्न बन गया, यहाँ पे हमारा जो एक रिपीटिशन बन गया 0.037 के ऊपर बार, पॉइंट इसका जो मतलब होगा, इसका जो मतलब होगा 0.037 के ऊपर बार, क्योंकि जब हम 1 को जब 27 से भाग करेंगे तो 0.037 रिपीट होगा, इसको हम इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं। और ये हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर। तो इतनी बातें हुई, इतनी बातें हुई, लेकिन चलिए आगे की बात जो है कल की क्लास में या अगली क्लास में हम करेंगे। आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में एक पैटर्न में बात करना है। कोई अगर रिकरिंग दशमलव दे दिया, रिकरिंग डेसिमल आपको दिया जाए और बार जो है समान रूप से समान अंकों पर ना हो तो उनको हम कैसे घटाएंगे, जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, इस पे आधारित हम कल बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।